तो क्या हाल है पब्लिक, सब कुछ ठीक? एक अपकमिंग मूवी आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। शायद आपको नहीं पता होगा, सबको पता है ठीक है, लेकिन उसकी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे अंदर के राज है, कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट है जो आपको पक्का नहीं पता होगा, लिख के ले लो ठीक है। तो भाई मैं ऐसे ही कुछ ऐसे मतलब अंदर की बातें कुछ बताने वाला हूँ आप सबको इस वीडियो में ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, छोटा सा ही है, मतलब फटाफट निकालेंगे ठीक है। एक बात, जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पाप लगेगा पाप, करो जल्दी से ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना, और कर दिया तो फिर सबसे पहली बात जो आपको चौंका देगी कि भाई ब्रह्मास्त्र मूवी जो कि बनी है भाई 300 से 350 करोड़ में अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जो बात है ना कि भाई इस मूवी ने इतने पैसे रिलीज से पहले ही कमा लिए है। आप सोच के देखो भी कैसे ठीक है। मूवी जो बनती है उसके बहुत सारे राइट्स बिकते हैं, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स और बहुत सारे सैटेलाइट राइट्स, और वो मतलब मान लो 40 से 50 करोड़ में बिक जाता है। उसके बाद ओटीटी राइट्स की केजीएफ 2 का 320 करोड़ में बिका था, कितना 320 करोड़। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ब्रह्मास्त्र का 100 करोड़ में बिक जाता है, हो गए 150 करोड़। उसके बाद आते हैं म्यूजिक राइट्स की, 50 करोड़ पकड़ के ले लो ठीक है, तो कितने हो गए 200 करोड़। अब देखो अप्रोक्सीमेटली उसने 200 करोड़ कमा लिए, और मतलब ऐसे तो कितने ही राइट्स होने वाले हैं ठीक है, और वो राइट्स भी बिक चुके हैं अब तक। ये एक ऐसी पहली बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ काम कर रहे हैं ठीक है, और वो भी कपल। और कहा जाता है कि भाई इसी मूवी के शूटिंग के चलते ही मतलब इन दोनों के बीच में ये और मतलब शुभंग सावधान कन्यादान मतलब ये सब हुआ था ठीक है। तो मतलब एक बहुत ही अजीब गरीब बात कि भाई इस मूवी का नाम ड्रैगन रखने वाले थे, ड्रैगन रखने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी राइटिंग आगे बढ़ती गई तब उसको चेंज करके रख दिया गया ब्रह्मास्त्र। तो ये बहुत बढ़िया बात की इन लोगों ने। मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर जो कि WWE में रह चुका है ठीक है, उसका नाम है सौरव गुज्जर, और मौनी रॉय नागिन में ठीक है। एक और बात, इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर भी होने वाला है जिसका नाम है देवेंदु शर्मा, अपने मुन्ना भैया, तो देखकर मतलब मजा आने वाला है ठीक है। इंडिया में इस मूवी को रिलीज करने वाला है स्टार स्टूडियोज, बाकी जो लैंग्वेज बचती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन मूवीज को रिलीज करने वाले है SS राजामौली। जिस मूवी में SS राजामौली इंटरेस्टेड है तो फिर मतलब वो मूवी कैसी निकलेगी, जबरदस्त ठीक है। और उसी सेम डे वर्ल्ड वाइज रिलीज किया जाएगा इस मूवी को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ठीक है, पता नहीं नाम क्या है पर जो भी है मतलब डिज्नी कर रहा है, समझिए ना। एक बात ऐसी जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट रहती है बॉलीवुड की मूवीज के बारे में, इस मूवी में सिर्फ 3 सॉन्ग होने वाले हैं, केसरिया, देवा देवा और डांस का भूत, और थैंक गॉड की तीनों सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है, उतना कान में दर्द नहीं होगा। हम सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन एंशंट माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ठीक है, लेकिन ध्यान दो बेस्ड है, ना कि ट्रू इवेंट ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर एडजस्ट कर लेना, ये एंटरटेनमेंट के लिए रहने वाला ठीक है, समझ लो, दिमाग में घुसा लो। एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो शायद आपको पता नहीं होगी, पक्का नहीं पता होगी, इस मूवी की जो स्टोरी लाइन चलने वाली है वो दो टाइमलाइंस में चलेगी, एक प्रेजेंट टाइम्स और दूसरा महाभारत टाइम्स ठीक है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी है जिसकी स्टोरी प्रेडिक्ट करना मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मतलब इसके सिर्फ दो सिंपल वाले रीजन है। सबसे पहला, क्या ये मूवी बेस्ड होने वाली है शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के ऊपर, या फिर ये मूवी बेस्ड होने वाली है अग्नि, जल और वायु के ऊपर, कोई गेस नहीं कर सकता। अगर पहला बात देख ले उसके बाद तो पता चली जाएगा, अगर आपको पता है तो मैं बैट करता हूँ, अंदर कमेंट में बताओ ठीक है, अगली वीडियो में आपका नाम ले लूंगा, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद। ब्रह्मास्त्र मूवी बॉलीवुड की मोस्ट डिलेड मूवी बन चुकी है ठीक है, जो कि इतनी बार डिले हो चुकी है उसका कोई हद कोई परिणाम नहीं है। सबसे पहले ये मूवी रिलीज होने वाली थी अगस्त 2016, डिले हो गई, आ गई दिसंबर 2016, नहीं मेड़ पड़ा, उसके बाद 3 साल का गैप लगकर आ गई दिसंबर 2019, नहीं हुआ, उसके बाद गई वो दिसंबर 2020, कोरोना एक बुच मार ली, और इसकी फाइनल रिलीज डेट आके रुकी है 9 सितंबर 2022। इतना डिले भाई, बाप रे बाप, इस बार रिलीज हो जाए बिना रुकावट के और बिना बॉयकॉट के।
यहाँ तक कोई देख रहा है तो फिर आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, ठीक है। लाइक जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पर, तो फिर मारो सब्सक्राइब, वरना फिर नहीं करना तो आपकी मर्जी, मैं कोई पकड़ के थोड़ी करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कर देना अगर कर रहे हो इच्छा हो तो। फिर चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।